Hello friends, I'm Alok Kumar. I'm Principal Secretary Planning and also Principal Secretary Food and Civil Supply. I'm also Nodal Officer for $1 trillion mission of state of UP. And in this video, I'll be talking about my journey and my postings and my training period after I joined IAS. So as I mentioned, I joined this service in year 1998. Or 7th September 1998 was the exact date on which I joined this service. And I very distinctly remember that on this day, jab hum log Mussoorie Academy mein gaye, we all went by mostly by bus to Mussoorie Academy. Aur usi samay mein hum log, our batch strength was 55. Usi din hum log sare batchmates ek dusre se milte hain. We did registration. The first thing which we did was our registration. और उस समय में हम लोग अपने बैकग्राउंड और उन चीज़ों के बारे में सारे डिटेल हम लोगों ने शेयर करते हैं, हम लोग लिखते हैं. और सबसे पहले तो यही होता है कि वाई मसूरी. कई लोगों के दिमाग में आता है, आज भी कई बच्चे पूछते हैं कि मसूरी में ही क्यों एकेडमी इस्टेब्लिश किया गया. सो आई वुड से कि जब जैसे कि दिल्ली है, लखनऊ है या कई और प्लेसेस हैं, उनके कंपेरिजन में मसूरी में जब इस तरह के वातावरण में और इस तरह के प्लेस में जब एकेडमी इस्टेब्लिश होती है, तो आप कम्प्लीटली आप केवल अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर फोकस्ड होते हैं. और इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें वहाँ पर आप फील कर पाते हैं और एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो कि किसी सिटी में एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती हैं. सो आई एम रियली थैंकफुल जो कि हमारे जिन लोगों ने और जिन पॉलिटिशियंस ने और जिन ब्यूरोक्रेट्स ने ये डिसाइड किया कि हम मसूरी में ट्रेनिंग एकेडमी इस्टेब्लिश की जाए. ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हम लोगों ने लाइफ में पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी. एंड वन ऑफ दोज आइटम्स वाज ट्रैकिंग. हम लोगों ने मैंने खुद कभी भी इस तरह से ट्रैकिंग नहीं की. और आई रिमेंबर हम लोगों ने हर की दुन और कई जगहों पे अलग अलग टीम हम लोगों ने हिमालय में ट्रैक किया. और उस ट्रैकिंग के पहले हम लोगों को कई सैटरडे और संडे को वीकेंड्स पर छोटे छोटे ट्रैकिंग पर ले जाते थे. और वहाँ से हम लोग कई तरह की लर्निंग होती थी, आपस में हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे. और धीरे धीरे जो उसको एक्लिमेटाइज करते हुए छोटे छोटे एक्सपीरियंस से फिर फाइनली जो सबसे मेन टफ ट्रैकिंग होती है, टफेस्ट ट्रैकिंग होती है, उसको हम लोग करते हैं. तो दैट वाज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि मुझे आज भी याद है. काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जो आज भी मेरे पास हैं. अपार्ट फ्रॉम ट्रैकिंग, जो एक हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती है, दैट रिलेट्स टू भारत दर्शन. भारत दर्शन में हमारे ग्रुप को दो तरह से डिवाइड किया गया था. एक ग्रुप ईस्ट साइड में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लाइक एक ने जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक विजिट किया. और सेकेंड ग्रुप जो मैं जिस सेकेंड ग्रुप में था, वहाँ पर हम लोगों ने सिक्किम से लेकर के अगेन हमने ईस्ट कोस्ट में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हम लोगों ने ट्रैवल किया. और सबसे पहला जो उसमें आर्मी अटैचमेंट होता है, सिक्किम में हमारा आर्मी अटैचमेंट था, नाथुला पास और वो सारी चीज़ें. मतलब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फ्रोजन लेक पर उसको एक्सपीरियंस किया, किस तरह से आर्मी किस बैकग्राउंड में रहती है, किस तरह से सब जीरो टेम्परेचर में आर्मी वहाँ पर रहती है, आर्मी पर्सनल रहते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस एडवर्स वातावरण में रहते हुए वो देश की सेवा करते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया. चाहे बोफोर्स गन हो, मशीन गन्स को चलाने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और उसके रिकॉयल से मुझे आज भी ख्याल है कि मेरा खुद का मेरा स्पेक्स टूट गया था. तो इस तरह के कई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि लाइफ में अगर हैड आई नॉट बीन इन टू दिस सर्विस, मैं कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था. उस तरह से चीज़ें हुई. फिर हम लोगों ने कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उनको विजिट किया, विशाखापट्टनम पोर्ट विजिट किया. और उसी दौरान एक शिप से दूसरे शिप में, वो भी एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, जब हमें ये भी नहीं बताया गया था कि बीच रास्ते में कुछ ऐसा होना है. हम लोग सभी एक शिप में थे और मिडवे ओशन में जाने के बाद हमें कहा गया कि आप में से हाफ ग्रुप में और एक रोप के थ्रू दूसरे शिप में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे. एंड दैट वाज सच अमेजिंग एक्सपीरियंस. और उस तरह का तो एक जो आपके अंदर का डर होता है, एक किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए आपको तैयार करना होता है. तो मैं
समझता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग जो कंप्लीट जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसमें हर चीज़ के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम लर्निंग अबाउट आवर लॉज क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर थिंग्स जो इस चीज़ के बारे में भी आपको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन को डील कर सके। सो मैं समझता हूँ कि उस ट्रेनिंग का बहुत मेजर रोल होता है आपके आगे की जर्नी में। सो लाइक आई मेंशन्ड अबाउट टू ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, सो देयर वर मेनी मेनी सच एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो मेनली जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू, वी आर ऑल्सो ए स्टूडेंट। हम एक यंग स्टूडेंट होते हैं और जब हम ट्रेनिंग हम कंप्लीट करते हैं देन वी गेट कन्वर्टेड इनटू ए ब्यूरोक्रेट, और उस समय में हम एक ऑफिसर के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कंट्री की, हमारे स्टेट की, हमारे गवर्नमेंट की हमसे, उन सारी चीज़ों के बारे में जो लर्निंग और एक्सपीरियंसेस होता है उससे हम लोग आगे की जर्नी के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिस इज़ नॉट कि केवल हमारी मसूरी एकेडमी में ही ट्रेनिंग होती है। जो भी IAS ज्वाइन करते हैं वी आर अलॉटेड डिफरेंट काडर, स्टेट काडर, और जब हम स्टेट में जाते हैं वहाँ पर भी स्टेट में भी हमारी ट्रेनिंग होती है। लाइक मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट हम लोग की स्टेट एकेडमी उस समय में, अब आज के डेट में तो यूपी की स्टेट एकेडमी लखनऊ में है, लेकिन उस समय में नैनीताल में हुआ करती थी, और हम लोग की ट्रेनिंग नैनीताल में अगेन हुई। उस समय में भी वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, ख़ासतौर पर रेवेन्यू लॉज, जो स्टेट के रेवेन्यू लॉज रहते हैं उसके बारे में स्टेट एकेडमी में ही बताया जाता है। अगेन वहाँ पर भी हम लोग को विजिट करने का, हम लोगों ने मुनस्यारी जो फारदेस्ट पॉइंट है, पूरा कुमाऊँ और गढ़वाल रीजन हम लोगों ने विजिट किया। अगेन जो ये जर्नी होती है, अगेन जो एक्सपीरियंसेज होते हैं उसमें आप तरह तरह से विलेज अटैचमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पर कि आप विलेज में जाते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, गाँव वालों की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या फ़ेस कर रहे हैं, शहर में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनमें क्या इशूज़ फ़ेस करने पड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को धीरे धीरे जब हम लोग सीखते हैं तो वी गेट कस्टम टू कि क्या चीज़ें, क्या चैलेंजेस हमें रियल लाइफ जो रियल पोस्टिंग्स होगी उसमें हमें फेस करनी पड़ेगी, उसका एक्सपीरियंस होता है। एक और ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम लोग लाइक आवर्स वॉज 64th फाउंडेशन कोर्स, जब हम लोग 64th फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो इट्स नॉट ओनली IAS, बल्कि जो हम लोग फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें सारे सर्विस के लोग एक साथ मिलते हैं, आपस में अलग अलग सर्विस से लोग होते हैं, अलग अलग तरह के उनके एक्सपेक्टेशंस होता है, उनके साथ आप मिलते हैं और लाइफ लॉन्ग ये जो फ्रेंडशिप और जो रिलेशनशिप डेवलप होती है वो लाइफ लॉन्ग डेवलप होती है। आज भी 64th FC के रूप में हम लोग कनेक्टेड हैं, तो एक ये भी चीज़ बहुत बड़ा एक रोल होता है जो आपको शेप करने के लिए एज एन ऑफिसर, किन लोगों के साथ आप मिलते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस हो जाते हैं। और फाउंडेशन के बाद हमारा फेज़ वन एंड फेज़ टू ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। फेज़ वन में हम लोग इनिशियल जो एक जो इम्पॉर्टेंट होती है आपके सर्विस के लिए उनके बारे में आपको इनपुट दिया जाता है, एंड देन वी आर सेंट टू डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अटैचमेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। मेरी खुद की ट्रेनिंग मेरी आजमगढ़ में हुई थी। इनिशियली आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि हाँ हमारे बाकी और कुछ फ्रेंड्स अच्छे जगह पर जा रहे हैं, आई एम बींग सेंट टू आजमगढ़, मगर मैं कहूँगा कि आई एम सो थैंकफुल अगेन आजमगढ़ में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, और एज ए मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी काम किया वहाँ पर, एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी काम किया फूलपुर में, तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग का ग्राउंड मिला आजमगढ़ में। हर तरह की चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम, और किस तरह से रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स हैं उनको हमें सीखने का मौका मिला। सो आई वुड से कि ओवरऑल जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको हमें काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है, काफ़ी अच्छे तरह से उसको यूज़ करना चाहिए, और अगर उसे हम यूटिलाइज सही तरीके से करते हैं तो ये आगे की जो हमारी जर्नी है उसमें बहुत काम आता है। सो आई वुड से दैट दिस वाज इन अ ब्रीफ अबाउट माय एक्सपीरियंस रिलेटेड टू माय ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।